सीएनजी में बहुत ही अच्छा एवरेज इसका, 30+ का एवरेज इसका कस्टमर फीडबैक जो हमें दे रहा है। हमारी हर एक गाड़ी में क्या है, अब 6 एयरबैग है, अब इस पे 25,000 का इस पे डिस्काउंट आया हुआ है। ये मेरा डीजल का वेरिएंट है, प्रेस्टीज मॉडल खड़ा हुआ है L1000 का। इसकी एवरेज की बात करूं तो डीजल में ये हमारी लोकल में देती है 17-18 की एवरेज। ऑटोमेटिक एसी आपका रहेगा और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंजन। i20 का अच्छा क्रेज है क्योंकि इसकी लुक ही इतनी अच्छी है, जैसे ओरा को दिखा रहा है कि भाई पेट्रोल सीएनजी में कब कब कितने दिन में इसकी वेटिंग है। कस्टमर को कहीं भी बैंक में भागने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारे काम होते हैं। हेलो मैम, कैसे आप? मैं मुकेश एकदम अच्छी हूँ और सत्य खबर पे आज मैं पॉलिटिकल खबरों से थोड़ा सा हटके आई हूँ। अच्छा। क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा कितने साल का हो गया? 58 साल का। इन 58 साल में हरियाणा ने विकास की, जो मैं तरक्की की बात करूँ ना, बहुत तरक्की की, हर क्षेत्र में तरक्की के को मतलब बुलंदियों को छुआ, और उन बुलंदियों में एक ऑटोमोबाइल भी एक ऐसा क्षेत्र है, ऑटो सेक्टर, जहाँ मतलब हजारों लाखों रोजगार के नए मतलब द्वार खुल गए हैं। बिल्कुल, अवसर भी मिल गए हैं और लोगों का जीवन भी सुगम हो गया, क्योंकि हर आदमी वो जब भी रोजगार पे जाता है, अपनी नौकरी करता है या वो कहीं भी जाता है, तो उसको लगता है कि एक गाड़ी उनके पास होनी चाहिए। जी, 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 जी। और मेरा आज मूड था कि बहादुरगढ़ में जो दृष्टि है हुंडई की, जो एक शोरूम है, क्योंकि हुंडई साउथ कोरिया की एक कंपनी है। अच्छा। और उसने हरियाणा में धाक जमा रखी हुंडई ने, तो मैं सोच रही थी कि हम थोड़ा हुंडई के शोरूम पे जो जो गाड़ियां आई हुई हैं उनके बारे में जाने। आपने कभी हुंडई की गाड़ी खरीदी? नहीं मैम, मैं सोच रही हूँ मैं गाड़ी ले लूं, पर मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। आपका तो एक्सपीरियंस होगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन सी गाड़ी बेस्ट है जो मैं लूं और मेरे लिए कंफर्टेबल हो। बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस गाड़ी खरीदने का तो नहीं है, लेकिन गाड़ी में मैंने देखा है हुंडई की बहुत सारी गाड़ियां आज रोड पे दौड़ रही हैं, और लोगों की कितनी पहली पसंद है, और इस गाड़ी में कौन कौन से मॉडल हैं, ये क्यों ना हम इन शोरूम के ओनर से या इनके सेल्समैन से पूछ लेते हैं। हाँ, हाँ, देखो इतनी अच्छी जगह पे है, ये टिकरी बॉर्डर है। हाँ। और ये रोहतक दिल्ली रोड है, इस रोड पे ऊपर है बिल्कुल पास में मेट्रो आते जाते देखते होंगे लोग, तो थोड़ा सा मतलब टिकरी बॉर्डर पे 1 साल तक है ना आरक्षण, जब आरक्षण वाला मैटर नहीं चला था तब यहाँ 1 साल तक किसान बैठे रहे थे। अच्छा। तब बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन हुंडई के शोरूम वाले लोग यहाँ डटे रहे। और इस कौन कौन लोगों की ये पहली पसंद है, थोड़ा सा इनके बारे में इस शोरूम पे जानने की कोशिश करते हैं, और मेरी जो च्वाइस है ना वो भी पूरी करते हैं कि हुंडई की गाड़ी अच्छी क्यों है, ये सारा स्टाफ भी है, थोड़ा सा ये जितने भी मॉडल है ना उनको जानने की कोशिश करते हैं, इनका जो भी कोई होगा ना आपको भी लेनी है, इन्हीं से सजेस्ट करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, कैसे? मैं बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैं आज दूसरी बार हुंडई शोरूम के विजिट कर रही हूँ। अगेन वेलकम मैम। थैंक यू। थोड़ा सा एक तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी, एक साथ 2-3 त्योहार थे, दिवाली, भैया दूज और हमारा हरियाणा हो गया 58 साल का। बिल्कुल, तो कितनी तरक्की हो पाई है ऑटोमोबाइल में? ऑटोमोबाइल में अब अच्छा सेल्स हमारा वॉल्यूम है, अब की बार अच्छा सेल्स वॉल्यूम गया है। मैं बात करूं अपना त्योहार थे, अपना दशहरा भी अच्छा है, धनतेरस भी अच्छा, दिवाली भी अच्छे त्योहार गए हैं इस बार में, तो पहले की मुकाबले अच्छा रहा है अब की बार। जी मैम, क्योंकि त्योहारी हिंदुस्तान की पहचान त्योहारों से है, त्योहारों से, और हर आदमी कोशिश करता है कि नई गाड़ियां खरीदे। हाँ जी। तो सर मैं थोड़ा सा मुकेश की ये इच्छा है कि इसको गाड़ी लेनी हो तो क्या सजेस्ट करें, और अपने हुंडई के आपके पास कौन कौन से मॉडल हैं जरा हमें एक बार बैठ के भी दिखाएं और उसके बारे में थोड़ा सा मुझे। वेलकम मैम, आइए। अगर मुकेश को अगर गाड़ी लेनी है, आप पहले कोई गाड़ी चला रहे हो? पहले बहुत फर्स्ट टाइम बायर है मुकेश। मुकेश आपकी गाड़ी, हम पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आपको पर डे कितने किलोमीटर गाड़ी आपको चलानी है? हमारा तो फील्ड का ही रहता है, ज्यादातर पता ही नहीं होता कि भी कितना चल जाए। अगर फील्ड में चलना है तो आप, मैं कहूंगा कि वैल्यू फॉर मनी एवरेज भी अच्छी आएगी। ये अपना ग्रैंड आइटन नियो स्पोर्ट्स सीएनजी वेरिएंट है, जिसमें सीएनजी से आप यूज कर सकते हो। कई बार नई गाड़ी में टेक्निकल इशू भी बहुत सारे होते हैं। नहीं, तो इनमें कोई भी नहीं है, और टेक्निकल इशू कोई, बाय द वे अगर होता है 1% आ भी जाता है तो 24/7 हुंडई आपको सपोर्ट देगा। आप हमारे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके पास हेल्पलाइन नंबर है वहां भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और सीएनजी में बहुत ही अच्छा एवरेज इसका, 30+ का एवरेज इसका कस्टमर फीडबैक जो हमें दे रहा है। हम कस्टमर को 30 का एवरेज कंपनी की तरफ से बोल के दे रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर फीडबैक आ रहा है कि 33 तक ये हमारी
ऑन हाईवेज ये एवरेज दे रही है गाड़ी कि एक किलो सीएनजी गैस में आपकी गाड़ी 33 किलोमीटर चल रही है। कस्टमर फीडबैक मेरे पास ये आया है इसका गाड़ी का। हाँ जी, थोड़ा सा जैसे इस तरह के जो आपने बताया है, सामान्य सी फैमिली, हाँ जी, प्रायोरिटी किसान है, हाँ जी, एक छोटा कर्मचारी है, आज हर आदमी चाहता है कि भाई फोर व्हीलर गाड़ी में बैठे, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लाइफ सुगम हो जाए। जी जी, तो आपके जो i10 वाली जो बात बताई थी, मुझे इसके एक व्हील को लेके बड़ा आदमी कॉन्शियस हो जाता है, क्या खासियत है? अब ये देखोगे कि स्टाइल अलॉय व्हील शेप, व्हील कवर्स है इसमें, इनको हम व्हील मतलब अलॉय भी नहीं बोल सकते, अलॉय तो है नहीं ये खैर, लेकिन अलॉय शेप व्हील कवर है जो कि लुक को इनहेंस करते हैं गाड़ी को, और इस सेगमेंट में बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये, 9.25 लाख में ऑन रोड आपको आएगी। सर इसमें बैठ के हमें दिखा, हाँ जी मैम प्लीज। सर इसकी जो खूबियां हैं, हाँ थोड़ा सा वो मुझे बताएं। बिल्कुल मैम, ये जो अपनी गाड़ी है ग्रैनाइट न्यूओस है जी। हमारी हर एक गाड़ी में क्या है, अब 6 एयर बैग है, फ्रंट से हम देखते हैं तो आपके यहाँ सिक्योरिटी के लिए होते, ये अपना सेफ्टी फीचर है, सेफ्टी फीचर, हाँ जी, ये मतलब की ड्यूरिंग द एक्सीडेंट केस ये एक्टिव हो जाते हैं अपने आप ही, बहुत ही माइक्रो माइक्रो सेकंड में एक्टिव होते हैं, तो उससे हमारी जान बच जाती है। ठीक है, इस गाड़ी में 6 एयर बैग है, ठीक है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है आपका, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम में सारे कंट्रोल्स हैं, वो स्टीयरिंग पे हैं आपके। अच्छा, ठीक है, हाँ जी मैम, और रियर कैमरा है, जिससे कि हम पार्किंग करते हैं तो रियर में भी हमें ये दिखाई देता है कि हाँ हमारे पीछे है कुछ। ओके, तो मतलब हम इतना जो अमाउंट आप कितना बता रहे थे, 9.25 लाख में ऑन रोड है, ऑन रोड प्लस, अब हुंडई जैसे अब त्योहार सीजन की बात करें तो स्कीमें भी आती हैं, अब इस पे 25,000 का इस पे डिस्काउंट आया हुआ है। ठीक है, एक तरह से मतलब इतने अमाउंट में भी लग्जरी जो सुविधाएं बोलते हैं वो सब आ गई है। बिल्कुल मैम बिल्कुल, अब इसमें सी टाइप चार्जर है, USB है, कॉमन मैन की जितनी भी सारी नीड्स है वो फुलफिल करती है ये गाड़ी। हाँ जी, क्या बता रहे थे मुकेश, बैक साइड भी मिलेगा जैसे वो चार्जर प्लग? हाँ, आपकी ये यहाँ पे है, यहाँ पे ही आपको मिलेगा। हाँ, रियर एसी वेंट के बिल्कुल नीचे आपका चार्जर पॉइंट दिया हुआ है, लैपटॉप चार्जर है ये जी, आप इसको भी यूज कर सकते हो। सर एक मुझे थोड़ी सी बात और बताएं, आजकल नेशनल हाईवे तो बहुत बन गए हैं, लेकिन जो लोकल रोड है, सामान्य तौर पे हम ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो लोकल रोड पे गड्ढम गड्ढा, तो जो इसके जो व्हील की आप खूबी बता रहे थे, तो इस तरह की गाड़ियों का चलन है? बिल्कुल है मैम, इसका जो व्हील अपना व्हील बेस है वो भी अच्छा है, और दूसरा मैं बताना चाहूंगा 165 mm का इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस है। अच्छा, वो क्या हुआ मुझे थोड़ा, मतलब कि ग्राउंड से इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई, ओके, हाँ, टच ना हो बार बार गड्ढों में, बार बार गाड़ी टच नहीं होगी। ठीक है सर, एक टॉप मॉडल खड़ा है मुझे उसके बारे में थोड़ा सा, बड़ी ऊंची सी गाड़ी है, आइए मैम वो। हाँ, ये मेरा सर, जैसे वो वाली गाड़ी तो होगी जैसे कंफर्ट जोन के लिए, अपनी फैमिली के लिए होगी, खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए होगी, ये जैसे टीम वर्क कभी करना हो, हाँ, तो उसके लिए बेस्ट है ये, फुलफिल नीड्स करती है अपना SUV सेगमेंट में जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स में, उन लोगों के लिए और पसंद करते हैं। ये मेरा डीजल का वेरियंट है, प्रेस्टीज मॉडल खड़ा हुआ है, L1000 का प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव मॉडल इसको हम बोलते हैं, ये वो मॉडल खड़ा हुआ है। इसकी एवरेज की बात करूं तो डीजल में ये हमारी लोकल में देती है 17-18 की एवरेज, ऑन हाईवेज ये 20 क्रॉस कर जाता है। सीएनजी में भी है ये? सीएनजी में नहीं आता, ये डीजल और पेट्रोल में आता है। अच्छा, दो इंजन ऑप्शन के साथ है ये। ठीक है, ये आता है मैम, और ये सारे सी टाइप इसमें, हाँ, इसमें सी डाटा केबल आप यूज कर सकते हैं। फीचर्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, वो तो हमें लगाना पड़ता है क्योंकि ये बेस मॉडल है। ठीक है मैम, हाँ, लेकिन इसमें आपको FATC मिल जाएगा जो कि फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। आप इसके फीचर्स में बात करूं तो आप मेरी रो का टेम्परेचर अलग रहेगा, आप अपनी रो का अलग कर सकते हो यहाँ से, मैं अपना ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक AC आपका रहेगा, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंजन है। अच्छा, हाँ, इसको हम मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं जो कि 6 स्पीड में आता है विद 1 रिवर्स। सनरूफ भी है? सनरूफ डीजल वेरिएंट्स में इसके नहीं मिलेगा, L1000 में आपको। अच्छा, पेट्रोल वेरिएंट्स में सब में आपको सनरूफ मिल जाएगा। जी मैम, ठीक है, और इसकी जैसे हम क्वालिटी की बात करें तो क्या कैसे फायदा देगी? बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप देखोगे इसका जो भी बिल्ड क्वालिटी लगा हुआ है इसमें, प्लास्टिक भी जो भी लगा हुआ है वो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगाई हुई है हुंडई में। और सारे इस पे मिल जाएंगे हमें? हाँ जी, हाँ जी मैम, यहाँ पे इसके कंट्रोल्स हैं, जब आप म्यूजिक सिस्टम फिट करवाते हो तो यहाँ पे भी स्टीयरिंग कंट्रोल लग जाता है। 7-सीटर में है ये, 7-सीटर कार है। पोल्यूशन वगैरह अगर कोई लेना चाहे तो वो खरीद सकते? बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्ट है मैम, बिल्कुल कंफर्ट है, ठीक है, ले सकते हैं इसको। जी,
तो देखिए आपको ये मॉडल कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इस पे विजिट करें और इसको परचेज करें। हाँ जी, आज आपने जितने भी मॉडल हैं सबके बैठ बैठ के भी मजे ले लिए, मैं भी गाड़ी भी बुक कराऊंगी। सर क्या क्या नाम है, मतलब जो मॉडल आपने हैं हुंडई के मेन जो आपकी? देखो हमारा जो हुंडई का पोर्टफोलियो है, अभी हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अपने पास अवेलेबल जो शोरूम पे गाड़ियां हैं एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, छोटी गाड़ी है वो भी बहुत 6 लाख से शुरू हो जाती है, 5.99 से वो शुरू है। बैठ के आप देख रहे थे गाड़ी, फिर अपनी i20 आपको मिलेगी, बड़ा क्रेज है i20 का, अच्छा क्रेज है क्योंकि इसकी लुक ही इतनी अच्छी है, लुक इनहेंस हो रही है। फिर हमारे पास ओरा आपको मिलेगी CNG में, हाँ जी, और अपनी हाई सेलिंग SUV है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अपना क्रेटा आपको मिलेगी, हाई सेलिंग है ये, सबसे टॉप मॉडल, ये एसओ वेरिएंट खड़ा हुआ है इसका। लेकिन जो इस मंथ में जिस गाड़ी की सबसे ज्यादा सेल हुई है ओवरऑल पूरा इंडस्ट्री में जो ओवरऑल सेल हुई है बस बहुत है, क्रेटा का हुआ है। ओके हाँ जी सर, मैं थोड़ी सी और जानने की कोशिश करेगी कि ये जो हुंडई की हैं गाड़ियां, ये मतलब पहली गाड़ी हमारे हरियाणा में कब आई? ये अपना प्लांट हुंडई आया था 1996 में, हरियाणा, ये चेन्नई में प्लांट आया था इसका, गाड़ियां मतलब हरियाणा में इसका 98 में आ गया था, सेंट्रो से पहले ही गाड़ी रोल आउट हुई थी प्लांट से, वो डीलर पॉइंट होने के बाद 98 से सेंट्रो बिकना शुरू हो गया था अपना हुंडई। सर ये लगातार तो स्क्रीन पे चल रहा है, मुझे थोड़ा सा, हाँ जी वहाँ भी चल के देखते हैं, ये हमारी गाड़ियों की इसमें ऐड हर टाइम चलती रहती है, हाँ जी ये ऐड भी चलती है इसमें, ओके, गाड़ियों के फीचर्स भी बताता है ये, और दूसरा इसमें हमारा ना वेटिंग पीरियड सारी गाड़ियों का आता है। यहाँ खड़े होके लगातार शायद देखे ना देखे, जब तक आपसे बात ना कर लेना तो शायद चैन नहीं आता होगा, कस्टमर आता है कई बार देखता है कि हमारे से भी वेटिंग पीरियड पूछता है, इस पे भी चलता है तो उसको ये पता लगता है कि हाँ हाँ वाकई में इतना वेटिंग पीरियड गाड़ी पे है जो हमने बोला हुआ, ये वेरिएंट्स आएंगे, ये कार वेटिंग पीरियड आई गया, ये देख लीजिए जैसे ओरा को दिखा रहा है कि भाई पेट्रोल CNG में कब कब कितने दिन में इसकी वेटिंग है, कब गाड़ी मिल सकती है मुझे। थोड़ा सा उधर भी चलते हैं सर, मुझे थोड़ा सा एक और, मैं मुकेश भी रस्ते में मुझसे बात कर रही थी कि जितनी भी कंपनियां ना अच्छी अच्छी ऑटोमोबाइल में वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के बड़े स्मार्ट पोस्टर होते हैं, तो दृष्टि ने जो स्मार्ट पोस्टर लगा रखे हैं, थोड़ा सा मुझे ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर आते हैं जब, तो एक तो वो अनुभव भी देखते हैं और उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। स्टैंडिज लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपना इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है तो इंश्योरेंस के लिए हमने यहाँ सारे बेनिफिट्स के साथ स्टैंडी लगा रखी है, ये फाइनेंस है, फाइनेंस के सारे रेट वगैरह जो अब इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट चला हुआ है वो PNB का चला हुआ है 8.75% से। सामान्य तौर पर आम आदमी जब गाड़ी लेने आता है तो वो चाहता है कि मेरा अगर उसको लोन लेना है तो सारी सुविधाएं यही मिल जाए, तो दृष्टि क्या सुविधा देंगे? यहाँ पे हमारे पास बैंकर होते हैं, ये बैंकर बैठे हुए हैं, हाँ ये कस्टमर का प्रोफाइल देख लेते हैं, कस्टमर से पूछ लेते हैं कि आप वर्किंग सैलरीड हैं बिजनेस है, उस हिसाब से प्रोफाइल एक बार सिलेक्ट करके, और हम फिर फाइनेंशियल मैनेजर है वो इस हिसाब से बैंक में लोन डालता है कि इसका प्रोफाइल वहाँ पे हो जाएगा बेस्ट टू बेस्ट और वहाँ से अच्छा रेट मिल जाएगा, वो फाइनेंस हो जाता है, कस्टमर को कहीं भी बैंक में भागने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारे काम हो जाते हैं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।